हैदराबाद उच्च न्यायालय में तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर को तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा की गई कोलवुला काई कोटलता की अनुमति से इनकार करने वाले पुलिस आदेशों के रिकॉर्ड तैयार करने के साथ एक प्रतिपूर्ति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पर सरकार पर सवाल यह है कि क्या सभी तरह की बैठकों और रैलियों को विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं दिया जा रहा है या ये केवल TJSC को अनुमति नहीं दी जा रही है। न्यायालय ने कहा कि काउंटर प्रतिवेदन के बैठकों के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या शामिल है या चल रहे विधानसभा सत्र के मद्देनजर रैलियों को खारिज कर दिया गया। मामले की सुनवाई 6 नवंबर को स्थगित होने के साथ TJSC के अध्यक्ष कोंदराम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक के लिए मंजूरी पाने में नाकाम रहे और उनके रैलियों और बैठकों के खिलाफ तेलंगाना सरकार के रुख का विरोध करते हुए मंगलवार को अपने निवास पर 24 घंटे के लिए विरोध किया।